हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, यह समस्या मेल और फीमेल दोनों में कभी भी हो सकती है। सही मात्रा में पानी ना पीना और ज्यादा टाइम तक यूरिन को रोके रहने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें बार बार यूरिन आना, यूरिन में जलन होना और खून आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप भी यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से परेशान हैं, तो आप कुछ घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इनके इस्तेमाल से आप यूरिन की समस्या से जल्दी ही छुटकारा पा सकेंगे। तो इन तरीकों को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और इससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। पहला तरीका है अधिक पानी का सेवन। यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने खान पान पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से शरीर में से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे यूटीआई को जल्दी ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप नारियल का पानी भी पी सकते हैं, इससे आपको यूरिन पास करने में जलन नहीं होगी और पेट में भी ठंडक बनी रहेगी। दूसरा तरीका है इलायची। इलायची की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह यूरिन इन्फेक्शन में राहत पहुंचाने का काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार 2 ग्राम इलायची पाउडर को दूध और पानी के साथ उबालें। उबलने के बाद इसे ठंडा करें और फिर इसमें चीनी मिलाकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जो कि है गेहूं और मिश्री। यूरिन इन्फेक्शन में गेहूं काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप रात को सोने से पहले 1 मुट्ठी गेहूं को पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें और फिर सुबह इसी पानी में गेहूं को पीस लें और छानकर इसमें मिश्री मिला लें, उसके बाद इसका सेवन करें। हफ्ते भर ऐसा करने से आपको यूरिन इन्फेक्शन से होने वाले दर्द और जलन में आराम मिलेगा। चौथा तरीका है आंवला और धनिया। यूरिन इन्फेक्शन में राहत पाने के लिए आप धनिया और आंवला के पाउडर को बराबर मात्रा में लेकर पूरी रात भर के लिए भिगोकर रखें और सुबह इसे छानकर पी लें, या फिर आप 50 ग्राम आंवले के रस में 30 ग्राम शहद मिलाकर रख दें और दिन में 3 बार इसका सेवन करें। ऐसा 1 हफ्ते तक करने से आपको यूरिन पास करते समय जलन नहीं होगी। आखिरी पांचवा तरीका है सेब का सिरका। एप्पल साइडर विनेगर में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरिया या एसिड बनने से रोकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। तो ये थे वो तरीके जिनको अपनाकर आप आसानी से यूरिन इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकेंगे। ऐसे ही और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।